comfortable in ours. तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम इनके साथ जा रही हो। अतीक का फोन आया था, वो कह रहे वो फजर के वक्त पहुंच जाएगा। अगर वो यहाँ पर आ गया इस वक्त तो तुम्हारा निकाह जबरदस्ती उससे कर देगा। मतलब मैं इनके साथ चली जाऊं? हाँ, तो इसीलिए तो बुलाया मैंने। वहां तुम्हारी बहन और अम्मी भी इंतजार कर रही है। अब सुनो, मैंने तुम्हारा बैग तैयार कर दिया है। तुम बस जल्दी से तैयार हो और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि वो आ जाए। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। क्या बात कर रही हो तुम? क्यों ऐसा कह रही हो? तुम जाओ। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं चली गई तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाग जाने का बदला वो आपसे लेंगे। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस यहाँ से निकलने की करो और दूसरों के इशारों पर जिंदगी ना गुजारो, अपनी मर्जी से जियो। जल्दी से तैयार हो जाओ, जाओ। बहुत एहसास लड़की है, इसका ख्याल रखना। आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो मुझे जरूर रब्ता कीजिएगा। मेरी मामा की चूड़ियां हैं। सोचा था वापस जाऊंगी तो जाके उन्हें दूंगी, मगर अब लगता है कि इसकी असली हकदार आप हैं। पागल हो? ये तुम्हारी माँ की अमानत है, वापस करो। रख लीजिए, मुझे यकीन है खाला यहाँ होती तो ऐसा ही करती। आप भी तो मेरी अम्मी जैसी है ना। आपने जो मेरे लिए किया है वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। मुझे भी वो करने थे जो एक बेटी को करना चाहिए। आपको कॉल करूंगी। हिरण, चलो देर हो रही है। देर हो रही है, जल्दी जाओ इससे पहले कि वो आ जाए। और नोमी को भी मेरा प्यार दीजिएगा। जाओ जाओ चलो, खुदा हाफिज़। अल्लाह क्या बने। कैसा फील कर रही हो? शादी हो चुकी है उजाला से, पहले से ज्यादा फ्रेश और खुश दिखाई दे रहे हैं। बताओ ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये सारा एडवेंचर कैसा रहा? मैं अजनबियों से कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करती। शुक्र है अजनबी के साथ तुम सफर कर सकती हो, वरना मैं क्या करता। वो चुड़ैल के जिंदगी में आ गई है, मिजाज ही बदल गए हैं।
बिना वजह मुस्कुराए जा रहे हैं। सुना है तुम्हारी शादी होने वाली थी, मैं तुम्हारी शादी से तुम्हें पहले वापस ले आया, कोई इतराज तो नहीं? बताओ ना। तौबा है, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। पता भी है रात के इस वक्त मुझे वहां से उठाकर लेकर आए हैं नींद में से। मैं सोना चाह रही हूँ लेकिन सोने ही नहीं दे रहे, नींद आ रही है मुझे। बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। सॉरी सॉरी। ऐसे नींद तो मुझे भी बहुत ज्यादा आ रही है। ओफ नहीं, आपने नहीं सोना, एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गई तो? अभी नहीं मरना चाहती, मामा और बिया से मिलना चाहती हूँ। वो ठीक तो है ना? वैसे बहुत जल्द ख्याल लिया है तुम्हें दोनों का। मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे किसका कितना ख्याल है? कितनी अजीब बात है, मैं जो खुद को अकलमंद और जहीन समझता था, एक सच्ची मोहब्बत की पहचान ही ना कर सका। उस वक्त मेरी आंखें ही नहीं, मेरे दिल के दरवाजे भी बंद थे शायद, और मोहब्बत तो है ही दिल से दिल का सफर। तुम्हें सोता हुआ देख के मुझे भी नींद आ रही है। उफ नहीं, कह तो रही हूँ मत सोएं, एक्सीडेंट हो जाएगा, देख नहीं रहे कितनी हैवी ट्रैफिक है। तुम जागती रहो ना, मुझसे बातें करती रहो, वरना मैं भी सो जाऊंगा। उफ अच्छा ठीक है, जाग रही हूँ। बताएं, बताया नहीं आपने, कैसे हैं वहां पे सब? मुझसे बहुत नाराज होंगे ना? कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। रिया ने जॉब शुरू कर ली? घर आ गया? नहीं, होटल है, चाय पीने। कुछ ही देर में ये सफर तमाम हो जाएगा, और इस सफर के खत्म होते ही हम एक दूसरे से बहुत फासले पर चले जाएंगे। लेकिन आपके साथ चंद घंटों का ये सफर मेरी जिंदगी का हासिल है जवान। ये लो गरम गरम चाय, आज तो वैसे भी बाहर काफी ठंड है, घर में बैठे बैठे बिल्कुल फील नहीं हो रही थी, हवा भी काफी चल रही है। चाय अच्छी है? पियो जी, पीती हूँ।
साथ में कुछ खाओगे? यहाँ से बिस्किट वगैरह तो मिल ही जाएंगे। क्या बात है, तुम रो रहे हो? मैं क्यों रोऊंगी? रोए मेरे दुश्मन, मैं तो बहुत खुश हूं। अच्छा, तो फिर यकीनन ये खुशी के आंसू होंगे। कहा ना नहीं रो रही, रो नहीं रही तो आंसू कैसे? दिल मेरे तू बता क्यों मिली तन्हाइयां, खो गई हर खुशी साथ है रुसवाइयां। क्या बात है, इतनी घबराई भी क्यों? क्या जरूरत थी आपको वहां पे लड़ाई करने की? अगर वहां के लोग आपका साथ देने की बजाय उनका साथ देते तो? मैं उसे सोच नहीं रहा था। उन्होंने मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ, मैंने रिएक्ट किया बस। लेकिन रिलैक्स, आई फाइन नाउ। मेरी हिफाजत करने वाला ये हाथ अब मेरा नहीं है, अब किसी और के हो चुके हैं जवाब। आप प्लीज मेरी फिक्र नहीं करें, मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तुमने चाय भी नहीं पी, अगर चाय पीने का मूड है तो रुको किसी होटल में। नहीं पीनी चाय, मुझे बस घर जाना है। घर जाने की इतनी जल्दी थी तो भागे क्यों? आपकी वजह से। आप बहुत बुरे हैं जवाब, काश आप पाकिस्तानी नहीं आते। सब कितने खुश थे, कितने खुश। आपकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। आप बहुत मनहूस साबित हुआ था। ये कहना चाह रहे हैं? ठीक समझा। लेकिन ये भी तो सोचो, अगर मैं ना आता तो तुम अपने प्यारे अब्बा जान से कैसे मिलते? मेरा आना तुमसे मुलाकात का बहाना बन गया। मजा आ रहा है आपको? मजाक उड़ा रहे मेरा? उड़ा रहे। इस वक्त आप इस पोजीशन में है ना, इसलिए। चीज समझ में नहीं आ रही कि तुम इतना गुस्सा क्यों मुझसे?
वाली, अब समझा मैं। तुम्हारी शादी होने वाली थी कुछ दिनों में और मैं तुम्हें वापस ले आया। मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत मायूस साबित हूँ। I'm really sorry for that। क्या जा रहे हैं? एक्सीडेंट करवाना है, रोड पे देख के चला है, बातों में लगे हुए बातें किए जा रहे हैं। बातें बातें बातें। लेकिन एक्सीडेंट होगा कैसे, रोड तो खाली है, देखो सड़क खाली है, लेकिन अचानक से कोई सामने आ सकता है ना। हाँ बात तो ठीक है, सुनसान सड़क, रात का आखिरी पहर, सन्नाटा, कोई ना कोई तो सामने आ सकता है, कोई जिन, भूत, चुड़ैल। कोई देखी चुड़ैल पीछे? अब प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाएं। क्या हो गया आपको? अगर मेरा ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी उस नई नवेली दुल्हन का ही कर लें। आपका इंतजार कर रही होगी। वैसे अच्छा किया तुमने याद करा दिया, वाकई मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अपने लिए ना सही तो अपने देवी के लिए सही। ओ गॉड, बादल आ रहे हैं। अगर बारिश शुरू हो गई, हीरा और जवाद भी रास्ते में है। कॉल भी तो अटेंड नहीं कर रहे। बारिश होने वाली है। अब क्या होगा? मेरे ख्याल में बारिश होगी। ये तो मुझे भी पता है कि बारिश होगी, लेकिन हम घर कैसे पहुंचेंगे? ये क्या हो रहा है? क्या कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया? मेरा ख्याल में कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे अभी। पेट्रोल कैसे खत्म हो सकता है? आपने चेक नहीं किया था? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं पता कि सफर पे निकलने से पहले पानी और पेट्रोल चेक करते हैं? रिलैक्स, परेशान मत हो। मैं क्या? आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन में मैं परेशान ना हूं? इसे कैसे कर सकते हैं? अल्लाह खैर करे, हीरा तो अभी रास्ते में होगी, बारिश भी होने वाली है। मलिक साहब जाग रहे हैं? ये जागने का वक्त है? तुझे क्या काम जो इस वक्त आ गया है? मलिक साहब ने ना ये कराची से मंगवाया, ये बहुत जरूरी है, उन तक पहुंचा रहा है। हाँ हाँ दे दूंगा। याद से दे देना। हाँ हाँ दे दूंगा तुझे। आप सुन,
कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं कुछ नहीं मिल सकता, घर जाके खा। याद से फिर हाँ 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 भाई हाँ हाँ क्यों रोक दिया है? ये पेट्रोल खत्म हो गया, यहाँ से डलवाना बहुत जरूरी है। मगर ये पंप तो सदियों से बंद लग रहा है, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। प्लीज चले यहाँ से, ये बहुत सुनसान है। देख के आता हूँ ना, डलवाना तो है। प्लीज मत जाना, मुझे डर लगेगा। कोई नहीं है, पंप वाले गए। हेलो, तो इस वक्त क्यों फोन किया तुमने मुझे? क्या ये यकीनन अतीक की कारिस्तानी है? तुम उसे पकड़ कर लाओ मेरे पास, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे।
कराची आ गए हैं क्या? हाँ, हम कराची एंटर हो चुके हैं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। चाय पियोगी? कहीं रुको? नहीं। मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ। कराची पहुंच चुकी होगी, पता नहीं वो अपनों में जाकर मुझे याद रखेगी भी या नहीं, कॉल भी करेगी या नहीं। जहां रहे खुश रहे। अंडे नहीं है और सालन में गोश्त नहीं है तो इसमें इनकी क्या गलती? इनको क्यों सुना रहे हैं? ये सब कुछ तो पैसों से आता है ना, और घर में पैसे लाना आपकी जिम्मेदारी है बाबा। के साथ जो इस घर में सुलूक हो रहा है वो तो बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर है। दाबा कोई काम नहीं करते, कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं, मगर रोब ऐसे झाड़ते हैं जैसे उनके बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा और सारी जिम्मेदारी वही उठा रहे हैं। किस्मत से लड़ा नहीं जा सकता हेरा। लेकिन ये गलत है और मैं बाबा को ये एहसास दिला कर रहा हूँ। मम्मी उठो, बेटा देर हो रही है स्कूल से। उठ जाओ, शाबाश, टाइम देखो, देर हो जाएगी, जल्दी उठो। बाजी कहाँ हैं? बेटा वो चली गई। कहाँ चली गई वो? अपने घर चली गई है। नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसी बातें नहीं करते, चलो उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम सोए रहे तो फिर स्कूल मिस हो जाएगा। चलो चलो, मैं लेके चलूं। अल्लाह। बिया, क्या बात है, इतनी सवेरे उठ गई हो? बिया, क्या बात है बेटे, तबीयत ठीक है ना? जी मम, मैं ठीक हूँ। नाश्ता बनाने लगी हूँ, तुम्हारे लिए भी बना लो। ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको जमाने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, मेरी चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम। थोड़े मासूम हो, थोड़े
इतनी देर हो गई है, चलो अभी नाश्ता तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, उठो उठो ये बैग पहनो। शाबाश ये पहनो। कॉल आ गई। हाँ मैं देखती हूँ, अतीक की कॉल होगी, बता रहा होगा कि पहुँचने वाला है। बोलो। नजरा जहाँ भी हो जैसे भी हो कुछ पैसे का बंदोबस्त करो, मुझे मुझे पुलिस ने धर लिया है। पुलिस ने धर लिया है? क्यों, तुमने ऐसा क्या किया? अजरा ये तफसील में जाने का वक्त नहीं है, कुछ करो, आओ, मैं अपने इलाके के हवालात में हूँ। घबराओ नहीं, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सारा किया जरा उस पलक का है। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। अरे कहा ना मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? खुदा बड़ा कारसाज है। अभी कुछ देर पहले तक मैं अतीक के बारे में सोच सोच कर डर से कांप रही थी। तुम स्कूल नहीं गए? देर हो रही है बेटा, स्कूल जाओ। और बता देना मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी। आप मुझे छोड़ तो दे। हाँ तुम्हें छोड़ आती हूँ मैं, एक मिनट रुको। तंजीला, हम उस औरत का एहसान भूल ही नहीं सकते जिसने हमारी हीरा को तबाही से बचा लिया। मामा, वो मेरी कुछ भी नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जितना शायद कोई सिर्फ माँ ही रख सकती है। लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है, पता नहीं वो उनके साथ क्या करेंगी। ना करो हेरा, हम उनका साथ देंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे। अजरा के बारे में सुन के मुझे यकीन हो गया है कि दुनिया में अभी अच्छे लोग बाकी हैं। तंजिला, मेरी तबीयत थोड़ी और ठीक हो जाए ना तो हम उसे मिलने जाएंगे। जी आप चलो, तो बहुत थक गई हूँ, कमरे में चल के थोड़ी देर सो लो। नहीं नहीं बिया, इतने अरसे बाद मैं अपनी बच्ची को देख रही हूँ, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी हेरा मुझे एक बार फिर मिल गई। मैंने आपको बहुत मिस किया मामा, बहुत। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपकी गोद में सोना है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना अरसा हो गया और मैं सोई ही नहीं हूं मामा। तुम तो फिर से रोने लग गई हो हेरा। इसे रोने दो बिया, इसने हमें बहुत रुलाया। नायला तुम तो चुप कर जाओ ना, अब तो खैर से बच्ची घर आ गई है, इस तरह हौसला मत हारो। जी 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 पिया, तुम और हीरा हमारे घर की रौनक हो, हमारे घर की खुशबख्ती हो तुम दोनों। तुम चली गई थी ना, हमारा घर बहुत सूना हो गया था। तुम फिक्र मत करो, अब खैर से ये आ गई है ना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। जवाब क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आंटी कैसी है? वो जाला के कहने पे मैंने सब किया। ये उसके मैसेजेस, ये देख, ये देख। कुछ भी ठीक नहीं रहा। जवाब, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंडीशन, लेकिन कुछ पता चला? किस बारे में? जवाब, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ? अब बिया के बारे में पूछ रही हो? कुछ पता चला कि हुआ क्या था? मैंने तुम्हें कल रात को भी कॉल की थी लेकिन तुमने अटेंड नहीं की। मुझे लगा कि शायद तुम अपसेट हो इसलिए, लेकिन अभी साफ नजर आ रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। किसने बताया तुम्हें बिया के बारे में?